कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आई थी तो आप लोगों ने एक घोषणा पत्र में लिखा था, आपके युवा हित सम्राट राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम लोग पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि आज आप सरकार में आ गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं और उसके बाद जब आपसे पत्रकारगण सवाल करते हैं तो आप कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो लीजिए, आपको सुनने के लिए जो भी कांग्रेस ने श्रवण यंत्र लाया है और अपने कान में लगाइए और अच्छे से जो जनमानस है, जो आम जनता है, उनकी बात को सुनिए और उनकी मांग को पूरा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल में जब ये चुनना बंद हो चुका है, आने वाले 5 साल में ये जो कांग्रेस है इनको दिखना भी बंद हो जाएगा। लेकिन तो गंगा जल की हाथ में कसम लेके ये झूठी सरकार, इस सरकार को हम लोग नकाबपोश कर देंगे। जिस तरीके से वो झूठ बोलकर माताओं और बहनों को ठग कर जो सरकार में आए हैं, इनका हम लोग आज पुरजोर विरोध करते हैं। और इस विरोध स्वरूप माननीय मंत्री महोदय भगत सिंह को हम लोग ये श्रवण यंत्र आज भेंट करने आए हैं। आदरणीय तहसीलदार साहब, आप दीजिए उनको। कि जो माननीय जो मंत्री महोदय है वो कहते हैं कि मुझे जो शराब के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर बात किया जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहे। ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, क्योंकि जब सरकार में जब नहीं आए थे तो यही मंत्रीगण ठीक ठीक कर कहते थे, अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि हमारी सरकार आते ही हम लोग शराबबंदी कर देंगे। इनके युवा दल की जो धड़कन है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सरकार में आते ही हम लोग शराबबंदी कर देंगे, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहे। इसलिए आदरणीय महोदय को हम लोग ये जो श्रवण यंत्र है ये भेंट करने आए हैं। आदरणीय, शायद आप भूल गए हो लेकिन जनता नहीं भूली है इस वादों को, इसलिए आप इस कान में इसको लगाइए और अच्छे से सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 साल में जो सरकार है ये सुनना बंद कर दी है, आने वाले 5 साल में मुझे लगता है इनको दिखना भी बंद हो जाएगा, आने वाले समय में चश्मा भी हम इनको भेंट करने वाले हैं।